गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज द ग्रासलैंड द प्रेरीज। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन अबाउट चैप्टर 6 द ग्रासलैंड एंड द प्रेरीज, यानी कि टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ग्रासलैंड का एरिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो ग्रास लैंड पाए जाते हैं, लाइटली लेवल पे उनके अबाउट कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, और साथ ही साथ आपका द प्रेरीज एरिया जो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि जो प्रेरीज एरिया नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, जो ग्रास लैंड एरिया जिसे प्रेरीज कहते हैं, तो उसके अबाउट इस चैप्टर में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, लेट अस गो। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड इज कवर्ड विद ग्रास लैंड्स। ओके, अर्थ का जो 100 में से 70% 71% एरिया वाटर कवर्ड एरिया एंड 29 or 30% एरिया कवर्ड विद लैंड एरिया। ओके, एंड इन लैंड एरिया जो मेन लैंड एरिया है, जो टोटल 100 का 30% इस 30% के 100% लैंड एरिया का मोस्टली पार्ट जो है वह ग्रास लैंड कवर्ड एरिया। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता। एज द नेम सजेस्ट ग्रास लैंड आर प्लेन वेयर द ग्रासेस ग्रो, ऐसा एरिया जो प्लेन हो और जहां पे सिर्फ ग्रासेस ग्रो यानी कि सिर्फ ग्रास की बढ़ोतरी हुई हो। दे डू नॉट हैव मोर ट्रीज, और जिन एरिया में अधिक पेड़ ना हो लाइकली लेवल पे। ओके, एंड ग्रास लैंड अराउंड द वर्ल्ड है वेरी रिच सॉइल, और वर्ल्ड के मोस्टली ग्रास लैंड एरिया क्या होते हैं, वेरी रिच सॉइल होते हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी वहां पे मेंटेन रहती है, काफी फर्टाइल सॉइल एरिया रहता है जो ग्रास लैंड एरिया रहता है। ओके, देखिए मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन, मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड यानी कि वर्ल्ड के मोस्टली ग्रास लैंड एरिया टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन 23.5 degrees नॉर्थ लाइन ऑफ कैंसर एंड 66.5 degrees नॉर्थ लाइन ऑफ आर्कटिक, एंड सेम एज साउदर्न हेमिस्फीयर 23.5 degrees लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन साउथ टू 66.5 degrees अंटार्कटिका लाइन, यानी कि इनके बीच ये जो एरिया होता है, अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करें तो एरिया क्या होता है, टॉरिक जोन 23.5 degrees नॉर्थ से लेकर 23.5 degrees साउथ तक, 23.5 degrees से 66.5 degrees साउथ नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड 66.5 से लेकर 90 degrees साउथ है नॉर्थ फ्रिजिड जोन। तो इस अकॉर्डिंग में क्या है, तो मोस्टली जो ग्रास लैंड एरिया होते हैं इन्हीं टेम्परेट जोन एरिया में पाया जाता है। तो देखिए, वन ऑफ द जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अदर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों एरिया में क्या होते हैं, टेम्परेट ग्रास लैंड या जिसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। ग्रास लैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ग्रास लैंड को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। देखिए सच है, एशिया में इसे स्टेपीज कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है स्पेशली रशिया और सेंट्रल एशिया के आसपास, ओके, जहां से तुर्क और मंगोल का इन्वेडर्स का इंडिया पे अटैक हुआ। ओके, तो ये एरिया क्या है, ये स्टेपीज ग्रासलैंड एरिया पाया जाता है, ये भी काफी क्या होता है, ये भी टेम्परेट जोन में पाया जाता है, और ये काफी ठंडा एरिया है, काफी कोल्ड एरिया है। फिर यूरोप वहीं पे जस्ट, ये भी यानी कि एशिया से सटे यूरोप है, इस एरिया में भी क्या होते हैं, स्टेपीज ग्रास लैंड पाए जाते हैं। फिर आपका हो गया नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड एरिया पाया जाता है। ओके,
मोस्टली कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ मैक्सिको। इन एरिया में, इन एरिया में जो ग्रास लैंड पाए जाते हैं इन्हें प्रेरीज ग्रास लैंड कहते हैं। ओके, और यह वर्ल्ड के टोटल, अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे बाउल ऑफ वीट कहते हैं या बास्केट ऑफ वीट, क्योंकि यहाँ पे वीट का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। जब 19 सेंचुरी में जब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के डेवलपमेंट इन्वेंशन स्टार्ट हुए, तो यूरोप से, क्योंकि अमेरिका यूरोप की कॉलोनीज थी, तो यूरोप से और जो वैसे अमेरिकन्स जो यूरोप में सेटअप हो गए थे, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, प्रेरीज की तरफ रुख किया और इन एग्रीकल्चर एम्प्लीमेंट्स का जो टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एम्प्लीमेंट्स थे इनका यूज करके और इस एरिया को फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और यह वीट के अकॉर्डिंग काफी बेटर एरिया माना जाता है, यानी कि गेहूं की फसल के लिए क्लाइमेटिक दृष्टिकोण का, क्लाइमेटिक एटीट्यूड से भी देखा जाए तो काफी क्या है, सुटेबल एरिया। फिर देखिए, तो मेन जो चैप्टर है आपका द प्रेरीज, इसी नॉर्दर्न अमेरिका में जो ग्रास लैंड पाई जाती है उसी के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम लोग इस ग्रास लैंड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे किस टाइप की फार्मिंग होती है, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है। ओके, तो इसी के अबाउट यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होती है तो किस टाइप से होती है, एग्रीकल्चर होती है तो एग्रीकल्चर की कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया है, तो इन सबको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। नेक्स्ट है साउदर्न अमेरिका। साउदर्न अमेरिका में जो ग्रास लैंड पाई जाती है उन्हें पंपास कहते हैं। साउदर्न अमेरिका की मोस्टली ग्रास लैंड को पंपास कहते हैं, जिसमें आपका ब्राजील, उरुग्वे, ओके, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, ये सब देश हैं, आपका कोलंबिया हो गया, तो बहुत से ऐसे देश हैं। तो इनमें मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इन पंपास एरिया को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। फिर हो गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी कि जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जो डाउन पार्ट है, जो साउथ अफ्रीका में आता है, उसके आसपास के जो भी अदर कंट्री, वहां पे वेल्स ग्रास लैंड पाई जाती। ओके, एंड लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, यहाँ की जो ग्रास लैंड पाई जाती है उसे डाउन्स कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, 23.5 डिग्री जो लाइंस है साउथ कैप्रिकॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के मिडिल से एक ग्रास होती है, उसी के आसपास से डाउन्स पाए जाते हैं। सिर्फ जो वेल्स हो गए, ये वेल्स क्या होते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ पंपास भी हैं जो ग्रास लैंड या ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। अगर अपने, तो इनके बीच यानी कि पंपास और वेल्ट जो होते हैं ट्रॉपिकल जोन में मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन अगर मोस्टली ग्रास लैंड एरिया को देखें तो मोस्टली ग्रास लैंड एरिया टेम्परेट जोन में ही वर्ल्ड के पाए जाते हैं। अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रेरीज, द ग्रास लैंड एंड ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका। तो इस चैप्टर में स्पेशली हम नॉर्दर्न अमेरिका में पाए जाने वाले ग्रास लैंड एंड नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में जो ग्रास लैंड जिसे प्रेरीज कहा जाता है उसके अबाउट टोटल चैप्टर आपका डिपेंड है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं द प्रेरीज। द ग्रास लैंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका आर कॉल्ड द प्रेरीज, एंड प्रेरीज इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स अ मीडोज आर ग्रास लैंड। प्रेरीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडोज, चारागाह या ग्रास लैंड, घास का मैदान या घास का एरिया ग्रास लैंड। एंड द प्रेरीज आर चीपली लोकेटेड इन अमेरिका, कनाडा एंड सम पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, यानी नॉर्दर्न अमेरिका के जो सम पार्ट्स ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के कुछ पार्ट में, नॉर्दर्न जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके पार्ट में और कनाडा के एरिया में क्या होती है, यह प्रेरीज ग्रास लैंड पाई जाती है। और यहीं पे अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे ग्रेट लेक पाई जाती है जो 5 लेक्स का कॉम्बिनेशन है। ओके, इसमें सुपीरियर लेक हो गया, ईरी लेक हो गया,
तो डिफरेंट टाइप के नेम है, फाइव लेग है। दीज आर बेस्ट ट्रीलेस ग्रासलैंड स्प्रेड ओवर सेवरल माइल्स ऑफ द प्लेन्स। यह ट्रीलेस ग्रासलैंड एरिया है, यहाँ पे पेड़ नहीं पाया जाता, सिर्फ आपकी 1 or 2 meters, 1 meters तक या 2 meters की हाइट यहाँ पे क्या होती है, ग्रासलैंड एरिया पाया। और अगर समर सीजन को छोड़ दें तो मोस्टली एरिया क्या होता है, इस मोस्टली स्नो का बर्ड एरिया रहा। और जब वही समर सीजन में जब यहाँ पे, क्योंकि समर सीजन यहाँ पे लाइटली लेवल के लिए आता है 1 or 2 months के लिए, और भी तभी क्या होती है ठंडक प्रति, इसी समय जो स्नो कवर्ड एरिया रहता है यहाँ पे एक चीनुक लोकल विंड फ्लो होती है, जैसे अपने यहाँ समर सीजन में मई और जून के महीने में लू चलती है, वैसे वहाँ पे एक चीनुक विंड फ्लो होती है जो काफी ड्राई होती है और इस आइस को, इस स्नो को मेल्ट कर देती है, जो वहाँ की, वहाँ में, वहाँ की लैंड में वाटर की मेंटेन को, वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखती है, जो वाटर को, जो सॉइल को काफी फर्टाइल बनाती है। एंड बेस्ट ट्रीलेस ग्रासलैंड है स्प्रेड ओवर द सेवरल माइल ऑफ द प्लेन। सेवरल माइल्स यानी कि अनेक हजारों, थाउजेंड्स किलोमीटर के एरिया में क्या हुआ है, फैला हुआ है। एंड वाटर्ड बाय द रिवर्स, यहाँ पे मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर, ओके, वाटर बाय द रिवर्स मिसिसिपी इज मेन रिवर्स आर प्रेरीज एरिया, एंड मिसिस एंड मिसौरी इज द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी रिवर्स। मिसौरी जो रिवर्स है या क्या है, मेन ट्रिब्यूटरीज है मिसिसिपी रिवर्स का। जैसे अपने यहाँ गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, लॉन्ग ट्रिब्यूटरीज है यमुना, वैसे मिसिसिपी रिवर्स की मेन ट्रिब्यूटरी मिसौरी रिवर्स है। और लार्ज स्केल पे इन एरिया में इनकी, मिसिसिपी और मिसौरी की लार्ज स्केल पे ट्रिब्यूटरीज पाई जाती है। नदियों का यहाँ पे एक जाल है जो क्या करती है, इन प्रेरीज एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखती है। और जैसा कि मैंने सुपीरियर लेक का भी नाम लिया, तो सुपीरियर लेक क्या होता है, सुपीरियर लेक भी यहाँ से स्पेशली एक तो इरिगेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, और साथ ही साथ इनके आसपास बड़े बड़े सिटीज डेवलप है, और सिटी के साथ साथ इसको अटलांटिक ओशन से इंटीरियर पार्ट में कनेक्ट किया गया है, जो क्या है, एक पोर्ट है। जैसे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकी कंटिनेंट में ब्राजील का सबसे जो इंटीरियर पोर्ट है, ओके, यार नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या है, ये भी एक लेक्स के, जो वहाँ पे अमेजन रिवर्स फ्लो होती है और एक लेक्स पाई जाती है, वहीं से इसे निकाला गया। अमेजन रिवर्स अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम करती है, और ये जो पोर्ट है काफी इंटीरियर, वर्ल्ड का इंटीरियर पोर्ट है, ब्राजील में पाया जाता है, मनोस नाम है इस पोर्ट का, ओके। तो आपके इस वीडियो में इतना है, अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजिस से रिलेटेड और भी टोटल आपका एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके, थैंक यू।